राइस है इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और इसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाल दिया था ताकि चिपके नहीं। 6-7 छोटी इलायचियाँ हैं, ठीक है, 6-7 छोटी इलायचियाँ और 3-4 मेरे पास है बड़ी इलायची। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और काला ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। ये था इसका टोटल मसाला। इसको हम बारीक पीस लेंगे, बस और पीस लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत मज़ेदार सा ये मसाला जो है वो तैयार हो गया अफ़गानी पुलाव के लिए। घी चला गया, फ्राई प्यार और थोड़ी सी क्रश की हुई थी तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करी, ठीक है ना। ये एक बड़े साइज़ की प्याज और इसको हम हल्का सा मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख रहे कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमें देना, नॉर्मल कलर है। 1 टेबल स्पून अफ़गानी पुलाव मसाला, ये चला गया। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चिकन स्टॉक 1.5 कप चने थे बॉईल किए हुए सफ़ेद चने, चलें इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ये राइस मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर दें। ये दिया लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ठीक है, और धीमी आंच पे हम इसको छोड़ देते हैं कि शुगर को मुझे कैरामलाइज करना है। गाजर मैंने डाल दी और यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर ताकि इसमें भी कैरामलाइज उसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। इसको थोड़ा सा हम कुक कर दें ताकि गाजर जो ना बेहतरीन, ये काली वाली किशमिश गाजर थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, इसका पानी भी सारा डाल देंगे ताकि अच्छी सी एक मिठास इसके अंदर आ जाए। चलें ये चला गया, तो मैं काम करती हूँ इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा, और ये हो गया है हमारा तकरीबन। इसको मैं कवर करती हूँ, थोड़ा सा ये मेरे पास काली किशमिश है, थोड़ी सी मेरे पास ये गाजर मौजूद है, तो इसको हम इसमें निकाल के रख लेते हैं, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये हमारा प्लेटर जो है वो पूरा तैयार हो चुका है और ये जो थोड़ा सा हमारे पास ये गाजर